वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं भारतीय रेलवे में निकली भर्ती के बारे में। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा ये भर्ती जारी की है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन में हो रही है। तो सुपरवाइजर हॉस्पिटैलिटी के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट विद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है और रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी कोने में हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 120 है। एज क्राइटेरिया है 18 से 30 साल। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन इस प्रकार आपका होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी बता दें तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपका चयन होने वाला है। वॉक इन इंटरव्यू 25, 26, 27, 28 और 29 मई तक होने वाली है। तो कुल देखा जाए तो 3-4 दिन ये वॉक इन इंटरव्यू चलने वाली है। ऑफलाइन तरीके से आपको आपका एप्लीकेशन निश्चित करना है। पे स्केल आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी, 23,700 रुपये आपको यहाँ पर पे स्केल मिलेगी और ग्रेड पे भी आपको एज पर रूल्स मिलेगी। अदर डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। एक्सपीरियंस तथा जो फ्रेशर्स होते हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे PDF में क्या जानकारी मिल रही है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपके पास BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCHMCT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICTC या UGC के द्वारा प्रमाणित यूनिवर्सिटी से आपको ये जो कोर्स है BSc इन हॉस्पिटैलिटी किया होना जरूरी है और 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। यानी जो उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इनिशियली द सिलेक्टेड कैंडिडेट में भी पोस्टेड इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक स्टेट सर्वर्स कैंडिडेट्स में भी ट्रांसफर डिस्क्रिशन ऑफ IRCTC यानी IRCTC के द्वारा कहाँ पर भी आपकी जो पोस्टिंग है वो हो सकती है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से ये भर्ती हो रही है। जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करिएगा। और लैंग्वेज लाइक तमिल, कनाडा और मलयालम आपको आनी जरूरी है यदि आप अप्लाई करना चाहते हो इंग्लिश और हिंदी के अलावा। मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपकी होने वाली है और सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाली है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करिएगा और आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। 25, 27 और 29 जून को ये वॉक इन इंटरव्यू हो रही है। जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करिएगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वेन्यू की जानकारी भी आपको यहाँ पर PDF में मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक लिंक दे देंगे जिस पर आप क्लिक कर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हो और यहाँ पर आकर आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आपके वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक करेगा और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।